नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और चुनाव आज तक सीधे उड़ीसा से हम लेकर आए हैं, जहां पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समानांतर चल रहे हैं। 19 सालों से उड़ीसा की जनता ने नवीन पटनायक पर विश्वास जताया है, लेकिन इस बार जो सबसे दिलचस्प पहलू इन चुनावों का है वो 21 लोकसभा सीटें, जिसके लिए हर तरफ से चल रही है खींचतान। शंखनाद का स्वर होगा सबसे ऊंचा। जब तक उनके हयात रहे कि वो हमारे सीएम बने रहे, उड़ीसा के लिए नवीन पटनायक ही बहुत अच्छे हैं। कोई आगे भी नवीन पटनायक आएगा, नवीन जो भी करता है अच्छा ही करता है, अल्लाह करे दुआ कबूल हो जाए। या उड़ीसा के सियासी तालाब में आएगी कमल की बहार। प्रधानमंत्री में कोई नरेंद्र मोदी, पीएम तो जो ये वो ये फूल कोई देखता है। उनका जो पुलवामा में जो स्टैग अटैक हुआ था, मुझको बहुत पसंद आया। क्या पंजे को थामेंगे उड़ीसा के हाथ? हमको लग रहा है कटक में ही कांग्रेस का आएगा। सेंट्रल पॉलिटिक्स के जितने किरदार उड़ीसा की राजनीति में इस दफे नजर आ रहे हैं, उतने शायद ही पहले कभी नजर आए हों। किसी का दावा इतिहास को पलट देने का है, किसी का दावा इतिहास को दोहराने का है, किसी को उम्मीद है कि खोई जमीन वापस मिलेगी। अपने अपने दावों के बीच उड़ीसा का चुनावी वैभव चरम पर है। ये लहर नहीं ललकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा है, निश्चित रूप से उड़ीसा परिवर्तन की दिशा में जा रहा है। Whichever government supports the just demands of Odisha, we will support that coalition. जनता में गजब का उत्साह है, सड़कों पर चुनावी उत्सव का उल्लास उमड़ रहा है। राजनीतिक दलों से ज्यादा जोश में जनता नजर आती है। जोश की एक बड़ी वजह ये भी है कि उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। जनता को एहसास है इस बात का कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को चुनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं, काम कर रहे हैं। हमारा नवीन पटनायक अच्छे लगते हैं। आप भी बताइए। नवीन पटेल विधानसभा के लिए तो हम चाहते हैं बीजेपी को, क्योंकि 20 साल हो गया तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देख के आ रही हूँ। अभी चाहते हो हम बीजेपी सरकार आएंगे तो कुछ करेंगे। बोर नहीं हुई है जनता? नवीन के साथ कोई है ही नहीं। लोकसभा में कभी कॉन्टेस्ट होगा, बाकी नवीन सरकार हमारा उड़ीसा में मेजर नहीं। नवीन जो भी करता है अच्छा ही करता है, मोदी जो भी करता है अच्छा ही करता है। आइए आपको पहले एक नजर दिखाते हैं उड़ीसा की चुनावी तस्वीर क्या है। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं। बहुमत के लिए 74 सीटें जीतना जरूरी होता है। नवीन पटनायक के पास 117, कांग्रेस के पास 16 और बीजेपी के पास 10 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2014 में 20 सीटें नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। सवाल ये उठता है कि लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नवीन पटनायक का दावा कितना मजबूत है? बीजेपी की रणनीति का उड़ीसा में क्या असर होगा? और कांग्रेस लेफ्ट क्या उड़ीसा में लगातार सिकुड़ती जा रही अपनी सियासी जमीन बचा पाएंगे? और सबसे अहम सवाल कि उड़ीसा की धरती से सुनाई देने वाला संदेश दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए क्या कोई संकेत है? 19 साल से उड़ीसा की जनता का विश्वास नवीन पटनायक पर बना हुआ है। उनकी लोकप्रियता में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर की भी बात की जा रही थी, उस समय भी उड़ीसा ने 20 लोकसभा सीटों पर बीजेडी को जीत दिलाई थी। आमतौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उड़ीसा शांत ही रहता है,
लेकिन इस बार हर सीट पर विधानसभा और लोकसभा की संयुक्त लड़ाई की महाभारत का उद्घोष सुनाई दे रहा है। ऐसे में हम जनता की नब्ज टटोलने के लिए जनता के बीच थे, ये जानने के लिए कि प्रदेश की राजनीति का सिरमौर कौन और राष्ट्रीय राजनीति में कौन है उड़ीसा की पसंद। उड़ीसा के लिए नवीन पटनायक बहुत अच्छे है, उनका जो काम है बहुत बढ़िया है और उनके बारे में कुछ ना ही बोला जाए तो अच्छा है। उनका माई बाप है, गॉड है और क्या है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि 19 साल के लंबे शासन के बाद भी जनता के मन में किसी नेता के लिए इतनी दीवानगी बरकरार रहे। फिर क्यों बीजेपी के मन में बड़ी जीत की संभावना का लड्डू फूट रहा है? हमने जनता के मिजाज के बीच इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश की। मोदी साहब आएगा तो अच्छा ही होगा देश का, असर पड़ेगा। बीजेपी आएगा, आएगा 50% आएगा। शेर के साथ शेर ही लड़ सकता है, तो शेर मोदी जी के साथ लड़ने के लिए ना कोई है, शेर ही नहीं है, वो एक शेर है, हर हर मोदी। हमें जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि जो जनता विधानसभा चुनावों में नवीन पटनायक की जीत को अपनी दुआओं में शामिल रखती है, वही जनता लोकसभा चुनावों में इससे बिल्कुल उलट राय रख रही थी। जब तक है वो है ओडिशावासी, उनके अलावा दूसरा ऑप्शन कोई खोजेंगे नहीं। नवीन बाबू जब तक है प्रधानमंत्री में वही नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी अच्छा है, नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि उड़ीसा बीजेपी के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हिंदी राज्यों से होने वाली सीटों के नुकसान की भरपाई की तैयारी है। बीजेपी के लिए उड़ीसा कितना अहम हो जाता है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 15 से ज्यादा जनसभाएं या रैलियां कर चुके हैं, जबकि अमित शाह 12 बार उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं। उड़ीसा के लोगों को इस बार केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली सरकार को वोट देना है। भाजपा सरकारों का डबल इंजन उड़ीसा को और तेजी से आगे ले जाएगा और इससे देश भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री और उनके सिपह सालार अमित शाह बार बार अपनी रैलियों में, भाषणों में डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र करते हैं। यहाँ उनका जनता से सीधा संवाद राज्य और केंद्र में एक ही सरकार चुनने के लिए होता है। बीजेपी ओडिशा में अपना सब कुछ झोंक चुकी है, उसे उम्मीद है कि इस बार वो इतिहास बदल पाने में सफल हो सकेगी। इसके लिए बीजेपी ने 2014 की जीत के बाद से ही ओडिशा में अपना मिशन विजय शुरू कर दिया था। जनता नवीन पटनायक के शासन की तारीफ करती नहीं अघाती, लेकिन केंद्र सरकार के फैसलों का असर भी उस पर स्पष्ट दिखता है। बीजेपी को इसके बीच से अपने लिए दिल्ली की राह दिखती है। इंटरनेशनल मार्केट में सोसाइट में उनका बहुत प्रभाव पड़ता है, भारत का बहुत अच्छा असर पड़ा है वो प्राइम मिनिस्टर होने से। उनका जो पुलवामा में जो स्टैग अटैक हुआ था मुझको बहुत पसंद आया था। इससे पहले जो 10 साल यूपीए का गवर्नमेंट रहा, आम जनता जान नहीं पाया क्या होता है काम। अभी आम जनता जान गए है कि हो रहा है काम, क्या काम हो रहा है दिखाई दे रहा है। बहुत बेटर, हमारे मसीहा है वो और वो हमारे दिल नसी हैं और हम चाहेंगे कि आते दिनों तक जब तक उनके हयात रहे कि वो हमारी सीएम बने रहें। कभी उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की साझा सरकार चला करती थी, लेकिन कंधमाल की एक घटना के कारण ये सरकार आगे नहीं चल पाई, संबंध दोनों पार्टियों का टूट गया। उसके बाद से नवीन पटनायक की लोकप्रियता में तो इजाफा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो लगभग एक ही दायरे में घूमता रहा, सीटों की संख्या बदलती रही चुनाव दर चुनाव। तो फिर इस बार किस आधार पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो बड़ी मात्रा में सीटें जीतेंगे और वोट भी पाएंगे? आइए आपको समझाते हैं कि क्यों बीजेपी को उड़ीसा से इतनी उम्मीदें हैं। दरअसल 2014 के चुनाव में मोदी मैजिक के बावजूद बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन यहीं से बीजेपी ने उड़ीसा को अपनी चुनावी रणनीति में प्रमुखता से शामिल कर लिया, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा में 21.5% वोट मिले और वो 9 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही। बीजेपी ने इन्हीं सीटों पर फोकस कर रणनीति को अंजाम देना शुरू किया। पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा,
ये सारे राज्य जहां पर हम देख रहे हैं कि 2014 में ये राज्यों ने आपको नंबर नहीं दिए थे उतने, इस बार इन्हीं के बूते आप कह रहे हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? जी, बंगाल में से हम हाफवे मार्क क्रॉस कर जाएंगे, उड़ीसा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी बहुत सारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव भी हम अच्छे से जीतेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नंबर बढ़ेंगे। उड़ीसा के मतदाताओं से नजदीकियां बढ़ाने के लिए बीजेपी ने 2017 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उड़ीसा में की। नतीजा ये निकला कि 2017 में ही हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 296 सीटें जीती, जो 2012 की उसकी 36 सीट से 8 गुना ज्यादा थी, जबकि 2012 के चुनाव में 128 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 63 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर पर चली गई। वैसे बीते कुछ समय में बीजू जनता दल के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल रहे बैजयंत पांडा, बलभद्र मांझी, दामोदर राउत, प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और लोकसभा चुनावों के मैदान में नवीन पटनायक के सामने ताल ठोक रहे हैं। इससे बीजेपी को बल मिला है। इसके अलावा ओडिशा से निकले धर्मेंद्र प्रधान और ज्वेल ओराव जैसे नेताओं को पहले बीजेपी ने सरकार में तरजीह दी और फिर ओडिशा में संगठन मजबूत करने के काम में लगाया। लोकसभा में हम 21 का 21 सीट जीत रहे हैं, विधानसभा में हम भारी बहुमतों से राज्य में भी सरकार बनाएंगे और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ऊपर भी और नीचे भी बनेगी। वैसे कांग्रेस की उम्मीदें भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के बाद से ओडिशा में भी कांग्रेस का शांत पड़ा संगठन जाग चुका है। जनवरी से लेकर मार्च तक राहुल गांधी 4 बार ओडिशा गए तो उनकी रैलियों में जनसैलाब भी खूब उमड़ा। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेडी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और न्याय योजना जैसी घोषणाएं उनके पक्ष में फायदेमंद साबित होंगी। यहाँ पे तो मोकिम भाई का ज्यादा कांग्रेस का आ रहा है। जी। क्यों, यहाँ तो 19 साल से मतलब बस सिर्फ कटक में ही कांग्रेस का, तो थोड़ा हमको लग रहा है कटक में ही कांग्रेस का आएगा। सब पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए है जो बोलते हैं राम राज में दूध मलाई और सीता के राज में घी, इस राज में गरम चाय जरा फूंक फूंक के पी। राजनीति की चालों और चुनावी समीकरणों का असर पड़ता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में है कि इन चुनावों में मुद्दा क्या है और जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। राज्य में अच्छा लगता है, फैसिलिटी सब है, बिजली, पानी, सड़क? हाँ, अभी सब ठीक है, सब ठीक है। और विधानसभा में मतलब 19 साल नवीन पटनायक, उसके आगे भी ये रहेगा जरूर रहे। विकास हर चीज़ में शांति है, विकास है, काम है, हर पानी है, बिजली है, लाइन है, किसी को कोई कमी है नहीं। दरअसल ये जो फ्री चीज़ों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ जब अपने वादे करने के लिए आती हैं तो इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन सामने रहते हैं। अब किस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वोटरों को कुछ ऐसा ही प्रलोभन दिया है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चूंकि पहले से राज्य में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, इसलिए मुमकिन है राज्य के स्तर पर इसका प्रभाव न पड़े। ओडिशा की लड़ाई में जन समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने ओडिशा में अपना अपना एक राज्य स्तरीय घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के दावों में किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ, बेरोजगारों को 3,000 रुपए प्रति मास बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को नौकरी और 33% आरक्षण शामिल है, जबकि बीजेपी के दावों में नौजवानों को दुपहिया वाहन, स्टार्टअप फंड और किसानों को लोन शामिल है। राज्य की इन घोषणाओं से अलग केंद्र में बीजेपी का प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का दायरा बड़ा करना, छोटे दुकानदारों और मजदूरों को पेंशन के वादे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से 72,000 रुपए सालाना और 22 लाख नौकरियों का प्रॉमिस है। लेकिन जब हमने ओडिशा की जनता से बात की तो जो सामने आया वो दिलचस्प था। अच्छा काम कर रहे हैं, कालिया योजना लाए, बहुत गरीबों लोग को सबको सबका देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, और बहुत सा काम नवीन सरकार इधर कर रहे हैं। गांव में बहुत कुछ मिल रहा है आदमी लोगों को,
साइकिल मिल रहा है, पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है, आंगनबाड़ी सब खर्चा वर्चा दे रहा है। मौजूदा राजनीति में सियासी लाभ को चुनाव के तराजू पर तौलकर बीजेपी इस वक्त नवीन पटनायक पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी के साथ बीजेपी के रिश्ते बहुत ज्यादा तल्ख कभी नहीं रहे। बीजेडी और बीजेपी के बीच रिश्तों का एक स्वर्णिम अध्याय भी रहा है। नवीन पटनायक एक समय में अटल बिहारी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के साथ उनका कभी सीधा टकराव नहीं रहा। बीजेपी को अगर ओडिशा में बड़ी जीत दिखती है तो नवीन पटनायक में एक स्वाभाविक साथी भी दिखता है। Whichever government supports the just demands of Odisha, we will support that coalition, whether it's UPA, NDA or anyone. साल 2000 में पिता बीजू पटनायक की सियासी विरासत को संभालते हुए नवीन पटनायक ऐसे उभरे कि तब से अब तक 19 साल बीत गए, लेकिन नवीन पटनायक को हराना तो दूर, कोई चुनौती भी नहीं पेश कर पाया। फिलहाल राज्य स्तर पर नवीन पटनायक का किला बेहद मजबूत दिखता है।